प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रोहताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का मुखिया एवं प्रोफेसर, अब सेवानिवृत्त। मैं अपना सेवानिवृत्त कालीन भारतवर्ष की आज़ादी की उन परवानों के बारे में काव्य सृजन करता हूँ जिनका नाम आज तक पता नहीं लोगों को। वो ऐसा कर क्यों हुआ, ये इसके बारे में मैं कभी हूँ कुछ भी मेरे लिए कहना यहाँ ठीक नहीं होगा। मेरा तो यही एक वो है कि मैं किसी तरह से सरस्वती माँ ने और भारत माता ने और मेरे मन ने या मेरी जो फितरत है उसने या मेरे पूर्वजों ने मेरे मन में कुछ ऐसा भर दिया कि मैं उनके बारे में मैं और तो कुछ कर नहीं सकता। तोप मैं नहीं चला सकता, तलवार मैं नहीं उठा सकता, बंदूक मैं नहीं चला सकता और ना ही जो मेरी अब उम्र या जो मेरा प्रोफेशन रहा है एज प्रोफेसर, मेरी कोई तोप उठाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं और वो लड़ाई है कि कम से कम हम अपने उन पूर्वजों को जाने जिनके हम वंशज हैं और जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए वो काम किए। अंग्रेज कांप जाते थे उनकी बलिदान से अंग्रेज कांप जाते थे। दो बातें कहते थे कि नमन है तुम्हें कि तुम्हारा बलिदान और लड़ाई लड़ने का तुम्हारा जो स्ट्रेटजी है, लड़ाई लड़ने की जो निपुणता है तुम्हारी, उसको सलाम, और भारत माता के प्रति तुम्हारे समर्पण जो है उसको सलाम। हम उन्हीं में से आज प्रिय मित्र आज मैं जो काव्य पाठ करूँगा वो है वीरवर तांतिया टोपे। इसके सारे मिला के 15 के करीब पद हैं और मैं इसको 10 मिनट में कर दूंगा, आप बहुत आनंद लेंगे। ध्यान से सुनो, नाम तो आपने इनका तो सुन लिया होगा पर ये चीज़ क्या थे ये आपको पता नहीं। गुरीला वार का अगर देखा जाए तो पितामह थे, गुरीला वार के ये पितामह रहे हैं कौन, वीरवर तांतिया टोपे। जो था अति निपुण पैरा पदवन एक, जो था अति निपुण साहसी चतुर सेनापति, जो था अति निपुण साहसी चतुर सेनापति, छापा मार युद्ध प्रणाली का श्रोमणि युद्धपति, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अजय सिपाही, बलवंती भावना का रईस तांतिया टोपे तुझे कोटि कोटि नमन, तुझ पर हैं हम बलियारी, तांतिया टोपे तुझे सलाम तुझे प्रणाम। दूसरा पद, तेरा अदम्य साहस तेरी जीवन गाथा, तेरा फ्रंगी से टकराव तेरी नमन नवीन युद्ध कला, तेरा सेना संचालन युद्ध स्थल प्रांगण में तेरी तीव्र गति, एक नहीं हजार थे तेरे युद्ध कौशल के प्रमाण, प्रखर बुद्धि वाले तांतिया टोपे तुझे सलाम तुझे प्रणाम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो गुरीला वार और जब लड़ाई हो रही होती थी ना युद्ध क्षेत्र में उसमें जैसे है ना कोई ऐसा हो कि इसको कोई अंग्रेजी उसको बिजली का करंट लगा रखा हो, ऐसे सारे क्षेत्र में ऐसे घूम जाता था मिनट में, जैसे कि जब कभी बरसात हो रही हो तो और घनघोर घटाएं गरज रही हो बरस रही हो तो जैसे दामनी फिर जाती हैं सारे में, ऐसे दामनी की तरह युद्ध क्षेत्र में निकल जाता था। बहुत ही ज्यादा निपुण था यह सेनापति, बहुत निपुण था। तेरे जैसे वीर सपूत यदि होते कुछ और बहुतेरे, तेरे जैसे वीर सपूत, ने कहता हे वीर वर तांतिया टोपे, हे वीर वर तांतिया टोपे, तेरे जैसे वीर सपूत यदि होते कुछ और बहुतेरे, तेरे जैसे अरमानों वाले यदि होते कुछ और अगुआ छैल छबीले, तेरे जैसे समर्पित लड़ाकू यदि होते कुछ और उपद्रवी गठीले, तो गुलामी की जंजीरें टूट जाती सन 1857 में ही, भारत की तारीख होती कुछ और ही और, रंगी हे रंगीले तांतिया टोपे तुझे सलाम तांतिया टोपे तुझे प्रणाम। तांतिया तुझे तो परास्त कर दिया तेरे ही अपनों ने, तांतिया टोपे तुझे तो परास्त कर दिया तेरे ही अपनों ने, विश्वासघात किया तेरे ही कथित मित्रगण सज्जनों ने, अतिथि बनाकर मुखबर बने चूर चूर किया तेरे सपनों को, हे नरवर राजा मान सिंह तूने जलम किया, धोखा दिया तांतिया टोपे को, तांतिया टोपे तुझे सलाम
तात्या टोपे तुझे प्रणाम। ये जो है ना राजा मानसिंह, नरवर राजा मानसिंह, इन्होंने इसको एज गेस्ट बुलाया और अंग्रेजों को बता दिया कि आज मेरे घरारा पकड़ लेना। जिसे अंग्रेज सालों साल तक पकड़ न सके, न खोज भाल सके, कौन है कैसा है ये भी नहीं पता था। नाम सुना था सर तात्या टोपे के बारे में, क्योंकि बिजली की फुर्ती की तरह भाग जाता था। जिसे अंग्रेज सालों साल तक न पकड़ सके, न खोज भाल सके, कौन है कैसा है, कद काठ तात्या टोपे का फिरंगी भी ये जान न सके। तब राजा मान सिंह ने नींद में सोए अकेले मेहमान को खाट से बांध दिया। भारत माता को लज्जित कर वीर वर रण बांकुरे, तात्या को बदली बनवा दिया। तात्या टोपे तुझे सलाम, टोपे तुझे प्रणाम। छठा पद, यूं अंग्रेजी मेजर यूं के खाट से बांध दिया उसने धोखा देके, रात को सोते हुए को। यूं अंग्रेजी मेजर मीर ने तात्या को गिरफ्तार किया सॉरी यूं अंग्रेजी मेजर था आर्मी में अंग्रेजों का, जिसका नाम था मीर। यूं अंग्रेजी मेजर मीर ने तात्या को गिरफ्तार किया। दिखावे की कानून कार्रवाई कर अंग्रेजों ने प्राण दंड का ऐलान किया। मानवता न्याय प्रणाली के तंत्रों को तार तार किया। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। तात्या ने फांसी खाते हुए अपनी अनोखी पहचान का प्रमाण दिया। संध्या समय बहादुरी से फांसी तख्ते पर पदार्पण किया। स्वयं गले में फंदा डालकर जीवन भारत माता स्वतंत्रता हेतु प्रसन्न चित्त त्याग दिया। तात्या टोपे तुझे प्रणाम, तात्या टोपे तुझे सलाम। तात्या टोपे ने ऐसा आज तक नहीं हुआ, वह गया फांसी के तख्ते पर और वो ड्यूटी उनकी होती है फांसी का वो डालने के लिए फंदा, खुद ही तख्ते पर गया साहब की तरह और खुद ने अपने यहाँ वो डाला, फंदा डाला। अरे वाह भारत माता, हे स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीरवर तात्या टोपे, तेरी भावनात्मक वीरता पर हम हैं आज भी बलिहारी। तेरा नाम सदैव श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाएगा। तेरी गौरवमयी बलिदान युग युग नमन कर सत्कारा जाएगा। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। आठवां पद, जब तक स्वतंत्रता की भावना बलवती रहेगी, जब तक हमारी स्वतंत्रता की गाथा लबों पर सजी रहेगी, तेरे संग्रामी तेवर हे तात्या टोपे, तेरे संग्रामी तेवर तेरी युद्ध कला की चतुर शैली और शौर्य के चर्चे दिल जहान भावनाओं विचारों में सुख लू की तरह गश्त करती रहेगी। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। नौवां, तू अंग्रेजों की सेनाओं को चीरता चला जाता था। चंपल चपल दामनी की भांति शत्रु के सैन्य बलों को छलता चला जाता था। तुझे देख पाना तो असंभव था ही, तेरे चेहरे की झलक पाना भी असहाय था। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। सन 1958-59 के दौरान तूने गजब ढा दिए, संपूर्ण उत्तर भारत को अपने चतुर आक्रमणों का मैदान बना दिया। कभी छावनियों पर हमले किए तो कभी शास्त्रागार लूट लिए। सेना ने सैनिकों की जब भी कमी हुई तो तुरंत हर स्थान को भर्ती केंद्र बना दिया। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। तेरी हे तात्या टोपे, तेरी चतुराई तेरी रण क्षेत्र में तीव्रता चौंकाने वाली थी। तू कुशल घुड़सवार युद्धवीर रणवीर, तेरी वीरता हर पल बतियाने वाली थी। सच तो यह कि फिरंगी कभी तुझसे रूबरू न हो सके, नरवर राजा मानसिंह की गद्दारी फिरंगी धोखा करके ही तुझे देख सके। तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। बारवां, इसी दौरान तूने अपनी बहादुरी के अविश्वसनीय करिश्मे और भी दिखाए।
अनेकों अनेकों विलायती शिक्षित धरने लोगों के छरके छुड़ाए, अनेकों विलायती शिक्षित जर्नेलों के छक्के छुड़ाए, रॉबर्ट्स, मिशेल, होप, हैवलक, ग्रांट समेत कैंपबेल सभी युद्ध में हराए। तो आप हैरान हो, देखिए मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे बच्चों, मेरे सहजनों, मेरे मित्रों, देखो कितना ग्रेट वो था ये सेनापति। कि ये कह रहे हैं अनेक विलायती शिक्षित जर्नेलों के छक्के छुड़ाए, क्या रॉबर्ट्स, क्या मिशेल, क्या होप हैवलक, क्या ग्रांट समेत कैंपबेल सभी को सभी युद्ध में थे हराए। ताता टोपे तुझे सलाम, ताता टोपे तुझे प्रणाम। तेरवा पद, ये अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी जन्मा सन 1814 में, ये ताता टोपे अद्भुत स्वतंत्रता सेनानी जन्मा था सन 1914 में, ग्राम येवला जनपद नासिक महाराष्ट्रीय निवासी, महाराष्ट्र का निवासी था। पंडित पांडु रंग राव का लाडला तात्या दिल जिगर का टुकड़ा था, और नहीं बल्कि ये रघुनाथ पांडु रंग राव यवेलकर यानी कि तात्या टोपे था, यानी कि तात्या टोपे था। कहने का मतलब है इनके पिता का नाम था पंडित पांडु रंग राव और उनका लाडला था कौन, तात्या टोपे, और तात्या टोपे का असली नाम था रघुनाथ पांडु रंग राव यवेलकर। तात्या टोपे का असली नाम था रघुनाथ पांडु रंग राव यवेलकर। चौदवा, आओ आओ हृदय में सम्मान लिए, आंखों में स्वाभिमान लिए, ये कवि कह रहा है किसके लिए, तात्या टोपे के लिए। उसकी महानता आपने सुनी लिए कि गुरिला, उसका महान गुरिला युद्ध का महान वो था सेनापति, और इतना ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था सेनापति कि अंग्रेजों को इसने, जैसे मैंने पहले बताया कि जर्नलों को हराया, रॉबर्ट्स, मिशेल, होप, हैवलक, ग्रांट सभी को मात दी। तो उसी के बारे में जो इतना कुछ किया 1857-58 के गदर में, उसी के बारे में कभी अब तात्या टोपे को अपने उद्गार वो कर रहा है समर्पित। कैसे, आओ हृदय में सम्मान लिए, आँखों में स्वाभिमान लिए, सीने में तात्या की कुर्बानी का अभिमान लिए, शिवपुरी चलें, शांत से चलें, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को नतमस्तक होकर तात्या के बुत पर माल्या अर्पण करें। शिवपुरी में है उसका जो बुत लगा रखा है, और शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तो ये कवि कह रहा है कि हमारा इतना फर्ज बनता है, अब कर लेना, आप में से कितने नौजवान हैं, घूमने जाना वहीं पर, वो भी है एक नेशनल पार्क भी है बहुत बढ़िया शिवपुरी के पास ही, वहाँ भी जाना और नाले यहाँ भी मिलाना। तो क्या कह रहा है, आओ हृदय में सम्मान लिए, आँखों में स्वाभिमान लिए, सीने में तात्या की कुर्बानी का घमंड और अभिमान लिए, शिवपुरी चलें, शान से चलें, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को नतमस्तक हो तात्या के बुत पर माला अर्पण करें, तात्या टोपे तुझे सलाम, तात्या टोपे तुझे प्रणाम। अंतिम, हमारे जैसे और कर भी कह सकते हैं, कवि कह रहा है आप और हम, हमारे जैसे कहता मत कर, मैं कह रहा हूँ अपने आप को कह रहा हूँ, हमारे जैसे और कर भी क्या सकते हैं, हो सके तो गुलाम भारत की, हो सके तो गुलाम भारत की, भारतीयों की दीनता हीनता को कह रहा है कभी, कह रहा है हमारे जैसे और कर भी क्या सकते हैं, हो सके तो गुलाम भारत की, भारतीयों की दीनता और हीनता की जो आज भी है, वक्त की खाक की परतों में लुको छुपो सकें, वक्त की खाक की परतों में लुको छुपो सकें, और कोई गद्दार मानसिंह पैदा न हो, चालाक खुद्दारों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा सकें, तात्या टोपे तुझे प्रणाम, तात्या टोपे तुझे सलाम। धन्यवाद। देखना बेटे कितना हो गया।